दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज देखिए मैं एक किसान के पास आया हुआ हूं जो छत पे फार्मिंग कर रहे हैं। ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं, उधर का छत और इधर का छत दोनों एक ही मकान का है और इन्होंने छत पे बकरी पालन शुरू किया है। वीडियो बनाने के पीछे एक ही मकसद मेरा होता है कि मैं कहीं भी जाऊँ तो वहाँ की बातें आप लोग तक पहुँचाऊँ ताकि आप लोग मोटिवेट हो पाएँ और समझ पाएँ कि भाई बकरी पालन आपको करना चाहिए तो किस तरीक़ा से करना चाहिए, और अगर आपको बाद में दिक्कत आ सकता है तो वजह क्या है, तो कहाँ रुक जाना चाहिए और बकरी पालन नहीं करना चाहिए। ये हम एक युवा बकरी फार्मर से हम समझेंगे। अभी इनका एज बहुत ही कम है और इन्होंने बकरी पालन का शुरुआत किया है। तो अपना नाम और पूरा पता दर्शकों को पहले तो बताएँ आप। हाँ सर, मेरा नाम विकास कुमार हुआ, मतलब ये खुसरूपुर है, उससे 2 किलोमीटर आगे मेरा गाँव रुकनपुरा हुआ सर। मेन रोड पर ही मेरा ये घर हुआ, बस 100 मीटर अंदर होगा रोड से, मेन रोड से सर जी। मेरे यहाँ घनाघोर बारिश हुआ, पानी का जमाव हो चुका है मेरे घर के अगल बगल में, लेकिन यहाँ देखिए अभी बिल्कुल धूप खिला हुआ है। तो बरसात में ऐसे ही होता है कि थोड़ा सा ही दूरी पे बारिश होगा, कहीं धूप होगा, ये चलता रहेगा, और बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। तो विकास जी, बाकी बातें तो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन आपसे पहले भी चर्चा हुआ था कि बकरी पालन का आपने पहले भी कोशिश किया था और आपको नुकसान हुआ था। हाँ सर। तो एक बार अगर कोई इंसान अगर नुकसान झेल ले तो फिर दोबारा उस काम को जल्दी नहीं करता। हाँ सर। तो क्या नुकसान हुआ था और फिर दोबारा आपने शुरू कैसे किया? सर, हम ये बहुत पहले से मतलब घर पे 2-4 ये खस्सी रखा जाता था सर, वो बधिया करवा के जो होता है। उसके बाद 2019 में हम कोशिश किए, मतलब थोड़ा ज्यादा रखे संख्या, तो थोड़ा सा हम बड़ा हुए तो ऐसे पापा लोग पहले रखते थे, तो लगभग 15-16 हम खस्सी सिर्फ छोटा छोटा ले आए सर, अलग अलग मतलब जनरेशन अलग अलग जगह से आया, तो पूरा मतलब जगह सेट नहीं कर पाया सर, अलग अलग जगह से लाए जो पता नहीं चला, हम ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं लिए थे सर, सब लगभग सब नुकसान हो गया सर। इस बार तो अभी तक सब कुछ ठीक है सर, कुछ भी ऐसा दिक्कत आता है तो आपसे संपर्क कर लेते हैं सर। बकरी फार्म तभी करना चाहिए जब तक ट्रेनिंग ना करे, जब तक स्टार्ट नहीं करना चाहिए सर। पहले आपने विदाउट ट्रेनिंग किया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब समझ में आ रहा है, तो देसी बकरी को भी आप छत पे पाल रहे हैं? हाँ सर, देसी बकरी को भी रख सकते हैं, बस ब्रीडर बढ़िया रहना चाहिए। ये देसी बकरी से इन्होंने शुरुआत किया है और एक बोर का बच्चा इन्होंने रखा है, बोर नस्ल का बच्चा, क्योंकि इंसान का एक प्लानिंग होता है कि मैं मटन परपस कर रहा हूँ तो वेट गेन होने चाहिए। ये कितने महीने का है विकास जी? ये भी 2 महीने का है सर। देखिए 2 महीने का ये बच्चा है, ये बोर ब्रीडर से क्रॉस कराया गया है, हालांकि इनके पास जो ब्रीडर है अभी छोटा है, लेकिन बड़े नस्ल के बोर बकरे जो सर्किल में होता है उससे बकरी को क्रॉस कराए थे। और ये देखिए बच्चा आया है, 2 महीने का है, तो इसका शानदार रिजल्ट सामने दिख रहा है। इससे पहले भी आपके देसी बकरियों के बच्चे आए हैं, तो क्या इतना ग्रोथ उनका था? नहीं सर, वो तो घर पे मतलब रखे हुए थे, जब तक स्टार्ट नहीं किए थे फार्म घर पे थे, बगल अगल में चरा देते तो सही था, पर जब से ये स्टॉल फीड पे रखे हैं सर, वो जितना थी उतना ही में रुकी हुई है। मैंने चराई पे देसी बकरी के बच्चे भी ग्रोथ कर रहे थे। हाँ। और जैसे ही आप यहाँ छत पे लाए, स्टॉल फीड पे सेट किए, ब्लैक बंगाल का वो था, ब्लैक बंगाल से ही क्रॉस था, ब्लैक बंगाल में वो उससे नहीं सर ब्रीड अति कर रहा था सर, बाहर में ग्रोथ था उसका, बाहर में चराई पे ग्रोथ था सर, चराई पे कुछ ना कुछ ग्रोथ कर रहा था, पर यहाँ स्टॉल फीड पे लाने पे ग्रोथ नहीं कर रहा है। और इसका क्या अंतर है? ये तो अच्छा ग्रोथ कर रहा है सर, स्टॉल फीड पे क्रॉस ब्रीड जरूरी है सर। देखिए ये किसान का अनुभव है और बस आप लोग को एक मदद करने के लिए वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ कि अगर आप क्षेत्रीय बकरी से शुरू करते हैं, जबकि मैं तो ये कहूँगा कि क्षेत्रीय बकरी से ही शुरू करें, आप जहाँ के भी रहने वाले हैं, बस ब्रीडर एक अलग रखें। अगर आप मटन परपस कर रहे हैं तो कुछ ऐसा ब्रीडर का चुनाव करें जिसका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो, तेज़ी से वेट गेन होता हो, और इन्होंने बोर चुना है और 2-3 ब्यात की सभी बकरियां हैं, क्योंकि देश जो भी क्षेत्रीय बकरियां हैं बिहार की नेटिव ब्रीड ब्लैक बंगाल, उसका कद थोड़ा छोटा ही होता है और इसे क्रॉस कराया गया 2 ब्यात के बाद। तो देखिए बच्चे बहुत ही, ये बच्चा शानदार आया है, इस तरीक़ा से और भी बच्चे इनके हैं जिनको इन्होंने देसी बकरे से ही क्रॉस कराया था, यानी ओरिजिनल ब्लैक बंगाल से ही क्रॉस कराया था, तो उसके बच्चे अभी छोटे हैं, लेकिन आगे जब इनका अपना बकरा तैयार हो जाएगा, क्योंकि बार बार किसी के पास ले जाके क्रॉस कराना संभव है नहीं। नहीं सर, वो तो हर बार इधर उधर ले जाना वो संभव नहीं सर, जब तक फार्मिंग की जगह तक तो ब्रीडर रखना जरूरी है सर। जब आपका ब्रीडर तैयार हो जाएगा उसके बाद का क्या उम्मीद है? ब्रीडर तैयार हो जाएगा तो अच्छा बच्चा निकलेगा सर, क्योंकि क्रॉस ब्रीड में फिर देख रहे हैं सर, एक बच्चा आया बहुत अच्छा आया क्रॉस है। बहुत जगह पर जो ब्रीड है वो बहुत बड़ी बड़ी नस्लों की होती है, लेकिन बिहार में ये छोटी नस्लें हैं और इसी से हमें काम करना है, और मटन परपस ही बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है, बच्चे ज़्यादा देती है, बस हमें ये करना होगा, चूंकि खिलाने में खर्च होता है और स्टॉल फीड पे रखना अपना मजबूरी है, तो यदि हम इसे क्रॉस ब्रीडिंग कराएं तो इसके बच्चे बहुत अच्छे आते हैं। और अगर ये पठिया, एक तो खसी है। हाँ सर, ये खसी है सर, और एक खसी
और एक बकरी दी है, उसमें एक पाठी और एक खसी दोनों है सर। हाँ, तो खसी तो आप मटन पर्पस तैयार करके सेल करेंगे, और पठिया जो तैयार होगी एक अच्छा मादा बन जाएगी। हाँ सर, उसको तो रखेंगे सर, अच्छा मादा बने, क्रॉस ब्रीड है तो अच्छा मादा बनेगी सर। मैं तो भी सर। जी जी बिल्कुल, मैं भी इसी तरीका से तैयार कर रहा हूँ कि क्षेत्रीय बकरियों को बड़े बकरे से, यानी जो आप देखे नस्ल बोर से, मैं क्रॉस करा के जो पठिया आती हैं उसको मैं रख रहा हूँ, वो बहुत अच्छी ही मादा बन जाती है। तो इस तरीका से फिर एक नया अपना ब्रीड तैयार किया जा सकता है, और शुरुआत में ही अगर हम ओसा ब्रीड कहीं से लाएँ तो बहुत महंगा पड़ जाता है, और चूंकि हम नए होते हैं तो इन्हें सेट करना बहुत ही आसान होता है। ये ब्लैक बंगाल 8 महीने का है सर, ये 8 महीने का है। 8 महीने का ब्लैक बंगाल है सर, इसका ग्रोथ देखिए, वो देखिए 2 महीने का है सर। हाँ, है ना अंतर, बहुत बहुत अंतर है सर। यही होता है कि किस तरीका से आप करेंगे तो आप टिक पाएंगे। अच्छा, आपका एज बहुत अभी कम है फिर इस लाइन में आए, पढ़ाई लिखाई जारी है या बंद कर दिया? नहीं सर, पढ़ाई लिखाई तो कहीं ना कहीं अभी जारी है सर, जो काम से बात जो मिलता है छुट्टी उसमें पढ़ाई लिखाई तो कर ही रहे हैं सर। घर से थोड़ा सा ये कमजोर थे तो इसलिए सोचा कुछ जल्दी आगे बढ़े, पार्ट टाइम में अपना ये कर रहे हैं, बाकी पढ़ाई जारी है। हाँ सर, पढ़ाई तो अभी कोई एग्जाम ऐसा जो दे के आप आए हों? हाँ सर, बिहार पुलिस का एग्जाम देकर आए सर, 3-4 दिन पहले ही। जी बिल्कुल, शुभकामनाएं। देखिए प्रयास यही करें, ये पूछने का बस ये मतलब था कि यदि आप पढ़ाई जारी रखे हैं तो बिल्कुल जारी रखें, वहाँ वो आपका करियर है, और ये आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं, और जब वो हो जाए तो इसे बंद भी किया जा सकता है। पूरी तरह से इस पे ही आने के लिए बाद का एज है आपके पास, और अभी आपको स्ट्रगल करने का वक्त है तो आप कीजिए। तो ये बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि इस घर में कोई नहीं रहता, आप अकेले रहते हैं? हाँ सर, एक मेरे बड़े पापा का घर है, वो यहाँ नहीं रहते हैं, पहले इनकम टैक्स में थे तो एक्सपायर कर गए हैं, तो सभी और बेटे लोग सब पटना में ही रहते हैं सर। हाँ। तो ये हमारे पास ही इस घर का चाबी रहता था, तो देखिए कुछ करते हैं यहाँ, बहुत दिनों 3-4 साल से ये बंद ही था। हम आते थे बस पढ़ते लिखते थे फिर चले जाते, देखते थे कि कुछ करते हैं, तो सुबह यही कर लिए सर, दिमाग में आया, पहले किए हुए भी थे तो देखिए कुछ ना कुछ इनकम होगा पहले, इसलिए आपसे मिले सर, ट्रेनिंग कर लिए तो दिक्कत तो नहीं आना चाहिए सर। ये पूरा अपना आशियाना यहाँ बनाए हुए हैं, नीचे पढ़ने के लिए बुक वगैरह, जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी में खाना चाय वगैरह बनाने के लिए इन्होंने सारा व्यवस्था किया। हाँ सर, गैस वगैरह सब कुछ रखे हुए सर, कभी दूध ही पिलाना है बच्चा को तो चुस्ली से तो गर्म करके दे देते हैं सर, तो घर पे जाने का जरूरत, घर थोड़ा सा यहाँ 100 मीटर दूर है यहाँ से सर। बकरियों को क्या क्या खिलाते हैं आप? सर हरा चारा में तो गुलड़ का पत्ता हो गया सर, बर का पत्ता हो गया अभी यही, और ये जो नेपियर घास है वो लगा हुआ है सर, उसको कुट्टी काट कर दे देते हैं सर, और ये भूसा है सर, भूसा है मसूर का भूसा है सर, दर्रा खिला रहे हैं सर जी, मकई का दर्रा हाँ। खिला रहे हैं, हरे चारे में नेपियर है। हाँ नेपियर है सर, गुलड़ का पत्ता है, बर का पत्ता है, यही सब खिला रहे हैं। छत पे बकरी पालन आप कर रहे हैं, किसी तरीका का परेशानी कुछ ऐसा लगता है? अभी तो खैर परेशानी सर कुछ ना कुछ तो आता है, ये पहले तो रॉ में जो रहना बनना जरूरी है सर, ये तो हम किए हुए हैं, मतलब कम पूंजी के अभाव में था इसलिए मतलब तो कर लिए हैं, पर छोटे बकरियों के लिए अलग थोड़ा सा बना हुआ रहना जरूरी है, और बड़े बकरियों के लिए अलग रहना जरूरी है सर। बच्चों के लिए तो आपने अलग बनाया है? हाँ बच्चों के लिए तो सर अलग है, पर कुछ जो बच्चे हैं बधिया खस्ती है उसके लिए मतलब अलग नहीं बना पाए हम, तो कुछ दिक्कत आती है कि आपस में बकरियाँ बहुत लड़ती हैं, तो इससे कुछ ना कुछ थोड़ा सा दिक्कत आता है सर। लड़ाई झगड़ा तो नीचे भी होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि छत पे जो जमीन पे रखते हैं और छत पे रखते हैं कोई अंतर ऐसा कुछ? नहीं सर, हमको तो कोई परेशानी ऐसा नहीं दिख रहा है। ना परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है सर। अगर सर सफाई बढ़िया किया जाए तो कहीं भी रखा जा सकता है। थोड़ा सा आप गंदगी देख रहे होंगे तो बस बरसात के कारण, रात में बारिश हुआ है ना? हाँ सर बारिश हुआ है सर, तो बरसात में थोड़ा सा गंदगी हो जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि नए बकरी पालक बरसात में शुरू ना करें, क्योंकि आपको बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ये ट्रेंड पर्सन है और बहुत पहले से कर रहे हैं, तो वैक्सीन वगैरह का ये ज्ञान रखते हैं। कौन कौन सा वैक्सीन आप बकरियों को लगा चुके हैं? FMD का सर लगा चुके हैं, उसके बाद ट्रायोवैक लगाएं, जो FMD मिक्स करके ट्रायोवैक आता है वो ट्रायोवैक लगाएं, और ये वाला लगाएं सर, PPR का लगाएं सर। ET आपने अभी नहीं दिया? ET नहीं दिए हैं सर, FMD का ये ट्रायोवैक का ज़्यादा दिन अभी नहीं हुआ, 21 दिन बाद ही देना रहता है। हाँ। तो अभी नहीं दिए हैं सर। PPR और ट्रायोबैक यानी FMD HXBQ का इन्होंने वैक्सीन लगा दिया है, और ET का वैक्सीन पहले का लगा हुआ है, अभी समय नहीं पूरा है। हाँ समय भी नहीं पूरा है सर। हाँ तो वैक्सीनेशन का ज्ञान बहुत जरूरी है, अगर आप जानकार हैं तो आसानी से बकरी पालन कर पाएंगे। आप युवा हैं तो क्या घर के लोग मना नहीं करते हैं कि पढ़ाई लिखाई मन से करो, ये काम क्यों कर रहे हो? नहीं सर, घर के लोग तो जानते हैं कि घर का सब कुछ जान ही रहा है कैसे क्या है, तो वो जानते हैं कि इतना समझदार है कि जो करेगा सही करेगा, ऐसा कुछ मना नहीं किया गया घर से। यानी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम में आप ये कर रहे हैं? हाँ। कुछ अलग से तो ऐसा है नहीं? नहीं सर, अलग से तो और कुछ ऐसा नहीं। मैंने कहीं घूमने टहलने टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि पढ़ाई किए उसके बाद इसमें लग गए। हाँ सर, पढ़ाई किए इसमें लग गए, इससे काम टाइम बचा तो फिर पढ़ने लगते हैं, बस यही है सर। जी मेरा एक एडवाइज है, क्योंकि बकरियाँ खाती है, खर्च होता है, तो मेरा एडवाइज है, चूँकि आप पढ़े लिखे लड़के हैं
तो गांव के जो भी लड़के छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें आप ट्यूशन पढ़ाना शुरू करें, उससे कुछ इनकम भी आएगा आपका, जो आपको तैयारी करने में मदद उससे मिलेगा, और बकरियों को खिलाने के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि अभी बकरियों से आपको इनकम इतना जल्दी आएगा नहीं, तो इनकम के लिए आप कर सकते हैं, क्या कहते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बकरी को तो अभी तो समय यहाँ लगेगा, पैसा आने में तो 2 साल के लगभग, 1.5 साल के लगभग करीब अभी लग जाएगा, तो कर सकते हैं सर। छोटे छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करें। हाँ, आराम से कर सकते हैं। हाँ, वो एक शिक्षा आपका पिछला क्लियर भी होते चला जाएगा और 2 पैसे उससे आएंगे भी। हाँ सर, हाँ सर। बकरी पालन के साथ साथ कुछ रोजगार अगर साइड से हो तो आपका हेल्प होता है, क्योंकि अचानक बकरियों से आप उतना कमा नहीं सकते, आपको वक्त लगता है। तो बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है कि नगद इनकम है यदि आपके पास तैयार हो गया, जैसे इधर आप देख रहे हैं खस्सी बैठा हुआ है, इधर भी है, यदि इस तरीका से इनके पास 5-6 बच्चे भी हैं और ये तैयार हो जाएं, तो एक बच्चा 10 हज़ार में तो आसानी से बिकता है बड़ा हो जाने के बाद। हाँ सर, 10 हज़ार में तो आराम से बिकेगा, और थोड़ा सा अच्छा वो ग्रोथ किया तो 15 भी दे सकता है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि अगर खिलाने का खर्च आप कम में कर लेते हैं, यानी हरा चारा जैसे उगा लिए, बगल में जैसे देख रहे हैं कि इधर बगीचा है तो गुल्लर के पत्ता ले आना, साइड में खेत है वहाँ से उसमें घास उगा लेना, है ना? हाँ सर, तो कम खर्च में हो जाता है। हाँ सर, नेपियर वगैरह बस भूसा मतलब थोड़ा सा ही मिला है, कुट्टी काट कर नेपियर वगैरह का ये सब दे दिया सर, हरा चारा गुल्लड़ का पत्ता ये सब ले आए, मेहनत के तो वो सब हो जाता है सर, हरा चारा कम खर्च में हो जाता है सर। मैंने मेहनत के दम पे कम खर्च में। हाँ सर, मेहनत करने पे कम खर्च में हो जाता है सर। तो ये हो सकता है क्योंकि लोग हंसेंगे, आपका घर कोई नहीं चला देगा, तो यदि आपके पास समय है, स्ट्रगल भी कर रहे हैं जैसे अभी पढ़ रहे हैं, तो इस तरीका से आप कम जगह में भी बकरी पालन कर सकते हैं और कम खर्च के लिए वही हरे चारा उगाएं। अगर गांव से आप हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और 2 पैसा इसे कमा सकते हैं, क्योंकि वक्त तो लगता है, क्योंकि पूंजी कम है तो वक्त लगता है, क्योंकि आप कम संख्या से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे उस तरीका से आपके पास जब जमा हो जाता है, यानी संख्या बढ़ जाता है और उसे बेचते हैं तो आपको पैसे निकलते हैं। अच्छा, बकरी बीमार हो गई अचानक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो वो बता ही देती है बीमार है, तो सबसे पहले साइड में एकदम बैठ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? उसको देखना चाहिए क्या उसमें दिक्कत है, ऐसा फीवर वगैरह है तो थर्मामीटर ये सब रखे हुए हैं सर उधर रूम में, सब दवाई वगैरह है, फीवर चेक कर लिए, जितना है उस अनुसार उसको दवाई दिए सर। देखिए, ये कॉन्फिडेंस होता है, अगर आप नए हैं तो सीधे जान ही नहीं पाएंगे कौन सा बीमारी है और क्या करना है और परेशान हो जाते हैं, और इस वजह से आप पहले नुकसान झेल चुके हैं। हाँ सर, हाँ सर, पहले कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है सर, मतलब कि वो बच्चा ही लाए थे, अलग अलग जगह का था सर, तो वातावरण भी पूरा ये यहाँ का नहीं, माहौल में एक जगह रख पाया, और इस बार लाए हैं एक जगह का है तो इतना कोई दिक्कत नहीं आया सर। तो कहने का मतलब एक तो सेट बकरियाँ इनको मिली है और दूसरा है कि इन्हें अब जानकारी है कि हमें कब क्या करना है, कुछ भी चेंजेस होता है उसका उपचार कर लेते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद मेरे भाई है कि कहीं से भी ट्रेनिंग जरूर लेके करें, सरकारी संस्थाओं द्वारा ट्रेनिंग दिया जा रहा है, हमने फ्री ट्रेनिंग किया है कि जिन भाइयों के पास पैसे नहीं है आके मेरे पास ट्रेनिंग ले सकते हैं, या घर बैठे भी ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि जानकारी है तो आप छोटा शुरुआत से भी बहुत आगे तक जा सकते हैं, और जानकारी नहीं है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा और जानकारी के अभाव में मोर्टलिटी होगा, जिसके डिप्रेशन में आप कहेंगे कि हम ये क्या काम कर लिए। तो बस एक भाई के पास आया मैं, इनका इच्छा था कि मैं इनके पास आऊँ और एक वीडियो इनका भी होना चाहिए यूट्यूब पर, और इसी बहाने आप लोग तक एक संदेश पहुंचा। होता है कि भाई छोटे किसानों के पास कोई आना नहीं चाहते, ऐसा होता है ना? हाँ सर, जरूर होता है, सब लोग चाहता है कि नहीं, जहाँ बड़ा फॉर्म है वहाँ, जहाँ थोड़ा दिखने में सुंदर है वहाँ सब लोग जाते हैं सर। मेरा ऐसा नहीं तो, है। आप तो सर आए, बुलाए तो बोले कि नहीं जरूर आएंगे, तो आए सर टाइम निकाल कर। टाइम का अभाव होता है, मैं गवर्नमेंट का ट्रेनर हूँ, प्राइवेट बैच भी चलता है तो थोड़ा टाइम का अभाव होता है। सबसे बड़ी बात है कि मैं बकरी पालक हूँ, तो जो भी टाइम मिलता है अपने बकरियों को देता हूँ और वहाँ से हर काम करके वीडियो बना के अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, ताकि वहाँ दूर बैठे बैठे लोग उस चीज़ों को देख पाएँ और समझ पाएँ। क्योंकि जो बिजी पर्सन है ट्रेनर होने के साथ फार्मर है, उसके पास उतना रियल में घूमने का समय तो हो ही नहीं सकता। आप इतना ही बकरी में क्या कहीं 2-4 दिन के लिए घूमने जा सकते हैं? नहीं सर, नहीं जा सकते सर, क्योंकि घर के लोग नहीं जान रहे हैं कि कैसे का इसको हमको देना है, खिलाना है पिलाना है, नहीं जा सकते हैं। थोड़ा सा भी टाइम मतलब जो हम घर पर हैं तो कहीं 1-2 घंटा के लिए सब चल गए, और 2-3 दिन के लिए नहीं कहीं जा। अब मैं 200 बकरियों को रखता हूँ तो मैं कैसे दूर दूर जा सकता हूँ? सर आप पुराने हैं सर, ट्रेनर हैं, फिर भी दिक्कत होता है ना? दिक्कत तो सर आता ही होगा, क्यों नहीं सर। हाँ, तो यही है, इसलिए मैं सब जगह नहीं जा पाता हूँ, लेकिन घर बैठे ही वीडियो बनाकर हर चीज़ करके दिखाता हूँ ताकि लोगों को मदद हो सके। तो मैं अगर ना पहुँच रहा हूँ तो बुरा ना माने, समय मिलेगा जरूर आपके पास आऊँगा। जैसे ही भाई के पास मैं आया, और मेरे लिए कोई बड़े छोटे नहीं होते, जहाँ तक मैं
तो मेरा तो प्रयास रहता है कि जो छोटे से छोटे किसान हैं उन्हीं का विशेष करके मदद किया जाए, क्योंकि बड़े लोग तो बड़े हैं ही, छोटे को हिम्मत देना है ताकि वो छोटे से बड़े हों, है ना। और क्योंकि उनके पास पूंजी का अभाव होता है, एक सपना होता है। बड़े लोग को तो सब मदद करता है सर, बड़े लोग को तो मदद करने के लिए कोई भी खड़ा हो जाएगा, पर छोटे लोग को तो कोई बात करने के लिए नहीं चाहता है सर। ऐसे ही है दुनिया, सफलता जो उगता सूरज को ही प्रणाम करना है, ये सब लोग जानते हैं। हाँ सर, हाँ सर, लेकिन यार कोई नहीं करता है, बस उग गए तो प्रणाम कर। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जो गिरे को अगर आप उठाते हैं सब दिन उसके दिल में आप रहेंगे तो ठीक है। बस एक इनका चेहरा हम लाना था और माध्यम बताना था कि जानकारी से पहले और जानकारी के बाद में कितना अंतर पड़ता है। और बस आपके लिए मेरा यही शुभकामना है कि पढ़ाई ना छोड़ें, स्ट्रगल करते रहें, और ये तो जीवन भर के लिए काम है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसको ही बढ़ा लिया जाएगा। हाँ सर, हाँ सर, जरूर, इसीलिए तो सर किए हैं सर कि पढ़ाई भी अपना जारी है, हो गया तो वो भी सही है, नहीं तो फिर ये तो करना है सर। लास्ट में तो रहेगा ना कि हम बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार नहीं, सब कुछ सफल जान गए सर कैसे क्या करना है, तो ये तो कर ही लेंगे, क्योंकि पढ़ते के साथ मनोरंजन भी हो जा रहा है। हाँ सर, हाँ सर, जो हम बाहर खेलते कूदते रहते थे उससे टाइम वहाँ बाहर नहीं दे पा देते हैं, घर पे ही रहते हैं। चल, मेरे तरफ से शुभकामनाएं विकास जी को और बाकी दर्शकों को भी जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो साथ में अगर कोई वो काम कर रहे हैं, बकरी पालन ही नहीं कोई भी काम कर रहे हैं, तो जारी रखें और पढ़ाई भी जारी रखें, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ आपको करने हैं, यदि ये कहीं हो गया तो ठीक है, नहीं तो जो कला आ गया हाथ का तो ये कला कभी खत्म नहीं होता, बाद में आपको कभी अफसोस नहीं होगा कि मुझे जॉब नहीं लगा, मैं ये नहीं कर पाया, क्योंकि आपका एक रोजगार खड़ा रहेगा जिसमें आपने महारत हासिल किया है। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, धन्यवाद।